गाइस आप लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आया होगा कि श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु मरने वाला है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन ये जानते हुए भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा और ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखना। तो ये कहानी है द्वापर युग की। तो ये कथा है द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होने वाले थे और सभी देवी देवताओं ने ये निर्णय ले लिया था कि कौन श्री कृष्ण का सहयोगी बनेगा, उनका रिश्तेदार बनेगा, लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा को धरती लोक पर नहीं भेज रहे थे क्योंकि वो वर्चा से बहुत ज़्यादा मोह करते थे और उस मोह के कारण चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चा को धरती लोक पर अवतरित नहीं कर रहे थे। और जब वर्चा को पता चला कि उनके पिताजी उनको धरती लोक पर नहीं भेज रहे हैं, तब वर्चा ने अपने पिताजी को बोला कि अगर मुझे कुछ क्षण श्री कृष्ण के चरणों में व्यतीत हो रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने चंद्रदेव को बहुत ज़्यादा समझाया, तब जाके चंद्रदेव माने और चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव से ये निवेदन किया कि मेरा पुत्र भले ही धरती लोक पर जा रहा है लेकिन वह जल्दी से लौट आए। तब ब्रह्मदेव मान जाते हैं और जाते हैं नारायण जी के पास और नारायण जी से निवेदन करते हैं कि आप पांडवों को बचाना लेकिन वर्चा को मत बचाना। और वही वर्चा अवतरित होते हैं श्री कृष्ण के सगी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के रूप में और चक्रव्यूह में वो बहुत अच्छे से लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गाइस अब तो आपको पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया अभिमन्यु को। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दूसरे लोगों के साथ ताकि दूसरे लोग भी ये जान सके कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया।